आप कैचती न्यूज बनेगा आपकी आवाज। पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको रूबरू। नहीं होने देंगे किसी पे भी अत्याचार। हम हैं आपके साथ और देखते रहिए। नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। बदलिए और सोचिए, राष्ट्रवादी को लाइए, राष्ट्र को बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बात को विराम देता हूं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का आज लखनऊ में पूरे राज्य के स्तर पर एक हम सम्मेलन कर रहे हैं, और जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शरद पवार जी यहां पर आए हैं, और पूरे इस राज्य में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को यहाँ पर हमें जिले जिले में गांव-गांव में स्थापित करने की आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम जानते हैं कि आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, लेकिन जिस तरह से देश में, इस राज्य में, और अभी हाल में आपने देखा कि दिल्ली का भी जो चुनाव हुआ, केवल एक ही एजेंडा के साथ भारतीय जनता पार्टी चल रही है कि वो लोगों में आपस में धर्म के नाम पर बंटवारा करके, लोगों में विभाजन निर्माण करके सत्ता किसी भी तरह से उनको काबिज करना है। और ये उन्होंने प्रयोग पूरे देश में करने की कोशिश अभी शुरुआत की है, बड़े जोर शोर से की है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि चुनाव के जो नतीजे आए, महाराष्ट्र में जैसा भी नतीजे आए, उसमें उनको किस प्रकार से लोगों ने उत्तर देने का, जवाब देने का काम किया है। हरियाणा में भी हालांकि सरकार वो बनाने में सफल हुए, लेकिन वो किस हालात में उनको सरकार वहाँ पर बनाने का मौका मिला वो भी आप जानते हैं। और दिल्ली में जहाँ पर रात दिन लोगों को भड़काने के अलावा और कोई भी बयानबाजी नहीं हुई, जिस तरह से कौमों में आपस में एक प्रकार की दूरी निर्माण करने का काम किया, उसके बावजूद दिल्ली की जो जनता, जो बहुत सूझबूझ के साथ, और पूरे देश के लोग दिल्ली में रहते हैं, केवल दिल्ली है, दिल्ली की लोगों की नहीं है, दिल्ली भारत के लोगों की है, राजधानी है, मगर लोगों ने वहाँ पर बहुत करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी को दिया। आज उत्तर प्रदेश में भी आप हम देख रहे हैं कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, या कांग्रेस पार्टी हो, ये जिस तरह से राजनीति करते आए हैं, और यहाँ की जनता ने, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे पिछला विधानसभा हो, उसके पहले के लोकसभा के चुनाव हो, लगातार इन बाकी तीनों पार्टियों को साथ देने का छोड़ दिया है, जिसके वजह से बीजेपी को यहाँ पर पूरी तरह से सत्ता उनको बहुत बड़े पैमाने पर हासिल हुई है। हम ये नहीं दावा करते कि रातों रात कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कोई विकल्प बनकर सामने आई है, लेकिन निश्चित महाराष्ट्र में जिस तरह से अभी चुनाव हुए, आदरणीय शरद पवार जी ने जो एक भूमिका, अग्रसर भूमिका उन्होंने वहाँ पर रखी, और जिसके परिणाम महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को हटाकर शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार वहाँ पर शरद पवार जी ने बनाई, लोगों को ये बात पसंद आई कि एक ऐसा नेता है जो इन लोगों को जवाब देने में कहीं भी पीछे मुड़ने वाला नहीं है। और उसी के फलस्वरूप हमारे उत्तर प्रदेश के भी, हमारे एनसीपी के सभी हमारे साथियों ने कहा कि आप ज़रूर आइए, यहाँ से हम एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में एनसीपी का अस्तित्व कभी कभी बीच बीच में हम लोगों ने विधानसभा में भी खाता खोला है, लेकिन अब हमने ये तय किया है कि एक बड़े पैमाने से एनसीपी को
उत्तर प्रदेश में हम लोगों को यहाँ पर मजबूत करना है और अभी समय भी है। हम घूमेंगे, लोगों का विश्वास ग्रहण करने की कोशिश करेंगे और एक अच्छे सशक्त पार्टी के तौर पर एनसीपी को उत्तर प्रदेश में हम स्थापन करने का काम करेंगे। सर, ये जो सीए एनआरसी को लेकर के आपके यहाँ जो गठबंधन था उसमें दो फाड़ है क्योंकि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना तीनों ही नहीं जुड़ पा रहे हैं इस मामले को लेकर के। देखिए क्या कहेंगे। देखिए, सीए एनआरसी और एनपीआर, इसमें आशंकाएं लोग जता रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा कोई हमारे तीनों पार्टियों में कोई मतभेद है। ऐसी कोई बात नहीं है। सीएए के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने क्या कहा है कि एनआरसी हम महाराष्ट्र में कदई होने नहीं देंगे, क्योंकि एनआरसी ही ये बीमारी की जड़ है। सीएए तो एक कानून है, कानून बन चुका है, कानून का लागू करने का माध्यम है एनआरसी। और एनआरसी के मामले में वहाँ के मुख्यमंत्री का भी बयान अगर आप ध्यान से पढ़े तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि एनआरसी को हम लागू नहीं करेंगे। एनपीआर उन्होंने कहा है कि हम उसका अध्ययन करेंगे, एक सेंसस की अगर प्रक्रिया है तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक सीए और एनआरसी और उसको खास करके लागू करने की बात है, सीए को लागू कौन करेगा जब एनआरसी होगा? जब एनआरसी महाराष्ट्र में लागू नहीं होगा, और वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी उसी तरह से बयान मैं आज भी पढ़ रहा था उन्होंने दिया है, तो उसका मतलब साफ है कि हमारी तीनों पार्टियों में इस मामले में कोई मतभेद नहीं है। यूपी और बिहार में जिस तरीके से महाराष्ट्र में तीन पार्टियां उनकी सरकार बनाए, लगता है कि यूपी और बिहार में भी आप लोग एक मंच पे आएंगे जो छोटी छोटी पार्टियां या और पार्टियों के साथ? देखिए, महाराष्ट्र में हमने बहुत सूझबूझ के साथ कोशिश की कि सभी एक विचारधारा की पार्टियों को साथ में लेकर चुनाव के पहले भी हमने कोशिश की और चुनाव के पश्चात भी की, और उसके फलस्वरूप आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र में चुनाव के वक्त हमने समाजवादी पार्टी को भी साथ में लेने का काम किया, उनके विधायक भी चुनकर आए, और हम आगे भी कोशिश करेंगे न केवल महाराष्ट्र में लेकिन देश में कि एक विचारधारा से जितने भी पार्टियां अगर एक दूसरे को साथ देती है तो खुशी की बात होगी। उत्तर प्रदेश में जो मैंने कहा ना पहले कि समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस, इन तीनों पार्टियों में ही आपस में बहुत सारे अंतर यहाँ पर नज़र आते हैं और वक्त पे वो कभी एक होते नहीं, और आपस में जिस तरह से वो एक होने की कोशिश भी करते हैं उसमें फिर बिखराव होता है, उससे यहाँ की जनता में भी उसका परिणाम विपरीत होता है। तो इसलिए शरद पवार जी के माध्यम से हम ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि सभी लोगों में सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ काम करने की एक मंशा बने, लेकिन उसके साथ साथ हम हमारी पार्टी को भी यहाँ पर पूरे राज्य में स्थापित करने की हम और शोर से कोशिश करेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट की पहली बैठक है दिल्ली में, शायद तारीख ऐलान हो जाए, क्या कहना है? देखिए, राम मंदिर के मामले में सारी पार्टियों ने भारत में एक पहले से ही एक भूमिका रखी थी कि जहां न्यायपालिका का सवाल आएगा हम उसको सर्वोच्च मानेंगे। न्यायपालिका का जो फैसला हुआ सभी ने मान लिया, सारे कौम ने भी मान लिया, और इसलिए अब उसमें रोज़ रोज़ अब छोटी मोटी बातों को लेकर कुछ बातें ज़रूर होगी, लेकिन ऐसे आम तौर पे, मोटा तौर पे इस मामले में अब ज़्यादा हम बयानबाजी न करें। अमन चैन, भाईचारा सभी के बीच में बना रहे और ये विवाद एक हमेशा के लिए हमारे पीछे जाए, यही हम सब लोगों की मंशा है, और इसलिए मैं इसमें अधिक और कोई टिप्पणी नहीं करूँगा।